आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सोशल मीडिया पर एक युवक और पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद होशंगाबाद पुलिस ने पुलिसकर्मी को पीटने वाले तीन आरोपियों का सिटी कोतवाली में जुलूस निकाला। आरोपियों को उनके घर ग्वालटोली में ले जाया गया। जुलूस में कई जगह पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की पिटाई भी की। आरक्षक की पिटाई के दौरान मूक दर्शक बने रहने और कायरतापूर्ण काम करने के चलते पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना ने दो पुलिसकर्मी दिनेश कटारे और रामकिशोर नर्रे को लाइन हाजिर कर दिया है। होशंगाबाद में शनिवार रात 12 बजे आरक्षक मनमोहन अहिरवार को ग्वालटोली में एक मकान में शराब का अवैध कारोबार होने की सूचना मिली थी। आरक्षक मौके पर पहुंचा तो वहां आरोपी मनमोहन यादव और दो अन्य युवकों के साथ विवाद हुआ। बाद में आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी को सड़क पर पटक पटक कर पीटा। मौके पर मौजूद दो अन्य आरक्षक यह तमाशा देखते रहे। रात की घटना है, इसमें लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में ग्वालटोली क्षेत्र में सूचना मिली थी आरक्षक, कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं मनमोहन यादव के यहाँ। तो उस पर मनमोहन अहिरवार पहुँचा वहाँ पे और उसने कुछ तहकीकात करना चाहिए, जिस पर मनमोहन यादव और खेमचंद यादव और एक राजेश टाक तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, उसकी मारपिटाई की। और इस दौरान मतलब जो है मारपीट कर रहे थे तो दूसरी बीत के दो आरक्षक भी वहाँ पहुँचे थे, दिनेश कटारे और एक रामकिशोर करके। लेकिन इन लोगों ने भी पूरी तरीके से एक्शन नहीं लिया उन तीनों पर और तीनों ने मतलब उसके साथ अनावश्यक मारपीट की। तो इस पर 353, 332, 294, 506, 323 का मुकदमा उन तीनों के खिलाफ, मनमोहन यादव, उसके अलावा खेमचंद यादव, राजेश के खिलाफ पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो दो आरक्षक वहाँ पहुँचे थे, दिनेश और जो आर के नर्रे, लोगों ने मतलब अपने लेवल पर जो एक्शन नहीं लिया और निष्क्रिय होकर वहाँ उदासीन खड़े रहे, तो इसके कारण इनको लाइन अटैच कर दिया गया। दोनों पुलिस वाले घायल पुलिसकर्मी को बचाने की बजाय आरोपियों से गुहार लगा रहे थे। पूरी घटना का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया। सुबह एसपी ने दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर SC ST सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।